तीसरा स्टेप होता है आरपीएस फर्स्ट सिपाही, सिपाही से प्रमोशन होकर के हेड कॉन्स्टेबल एएसआई और एसआई बनते हैं। दूसरा स्टेप डायरेक्ट भर्ती का होता है जिसमें ग्रेजुएशन पास को आ सकते हैं। दूसरा सब इंस्पेक्टर, तीसरा होता है आरपीएस राजस्थान पुलिस सर्विस जो सीधा डीवाईएसपी के पोस्ट पर होता है। डीवाईएसपी की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है, कोई आरएएस जो एग्जाम होता है आरपीएससी आरएएस आरपीएस बीडीओ तहसीलदार ये सारे जो आते हैं उसी से आते हैं। जिनकी अच्छी रैंक होती है वो आरएएस होता है, उससे कम रैंक वाला आरपीएस होता है, उससे नीचे रैंक वाले और कई टॉप रैंक भी आरपीएस चूज करते हैं क्योंकि पुलिस सबसे अलग दिखती है। इसलिए कई सीधा ज्वाइन चॉइस करते हैं कि भाई हम पुलिस में जाना चाहते हैं तो वो सीधा आरपीएस ही ज्वाइन करते हैं। पुलिस में एक फायदा है, आप किसी भी तरह की पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं, अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं तो आप तुरंत उसके कर सकते हैं। हमारे पास में जैसे समाज का कोई पीड़ित व्यक्ति आया कि साहब मेरे फला फला ने ऐसे ऐसे मारपीट की है या ऐसे गाली गलौज किया है, अब उसको सांत्वना देने के लिए क्या कर सकते हैं? आप एसडीएम के पास जाओगे, एसडीएम ये कहेगा कि आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगा, पुलिस थाने जाओ। लेकिन थाने में आज आएगा जो व्यक्ति आया कि भाई मेरे साथ में इसने ऐसे ऐसे गाली गलौज किए या मारपीट की है, झगड़ा किया है या मेरे को वो दबा रहा है, मैं उससे दुखी हूँ पीड़ित हूँ, तो आप तुरंत पुलिस एक्शन लेकर के उसको ला करके एक बार थाने में बंद कर देगी। आपके दिल में ये सांत्वना होगी कि यार पुलिस वाले मेरा काम किया। तो ये सीधा सा है, पब्लिक से रिलेटेड है और पब्लिक को सीधी सी सांत्वना देने के लिए आप मन में है यदि मैं कि पब्लिक की सेवा करूं, अपने समाज के लिए सेवा करूं, तो ये आप उसमें तुरंत एक्शन लेकर के कर सकते हैं। तीसरा होता है, चौथी सर्विस होती है पुलिस के लिए डायरेक्ट, वो है आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस जो सीधा एसपी के पोस्ट पर होता है। इसके लिए भी ग्रेजुएशन ही होती है, केवल सिपाही के लिए 10वीं पास है, बाकी सब इंस्पेक्टर आरपीएस और आईपीएस तीनों के लिए क्वालिफिकेशन एक ही चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। उसमें कोई परसेंटेज मायने नहीं रखता है कि आपके कितने परसेंटेज हैं, आप किस फैकल्टी से, साइंस से है, आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, किससे है, कोई मतलब नहीं है। आप केवल ग्रेजुएशन पास की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको आईपीएस और आरपीएस सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम आप 2 साल तक इस मेहनत करेंगे तब जाकर के आप उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। साहब ने अभी बताया कि पुलिस के फायदे क्या है और नुकसान क्या है, क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि हर एक यदि कोई समाज का बंदा है पर कम से कम गांव में से एक आदमी को तो पुलिस में आना चाहिए, कम से कम एक आदमी को तो गांव में से पुलिस में आना चाहिए ताकि उसके गांव के लिए पीछे ये रहता है कि वो फलाना का आदमी पुलिस में है। कोई आदमी आपके घर परिवार की तरफ देखने से पहले सोचेगा यार उसके परिवार में पुलिस वाला है। अब आप सोच लो कि कितना खौफ होता है या कितना मान सम्मान होता है। इस वजह से पुलिस में आना चाहिए। आप मैं ये कहता हूँ यदि जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं जिन्हें गाइडेंस की समय पर जरूरत रहती है, यदि पुलिस विभाग से संबंधित भर्ती आती है और उसमें कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर या आरपीएस लेवल तक की यदि कोई हमारे से गाइडेंस या सहयोग की जरूरत रहती है तो आप बेझिझक थाने में आकर के भी पूछ सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर लगभग सबके पूरे गांव में सबके पास, गांव में नहीं हल्के में सबके पास मोबाइल नंबर है और एट ए टाइम व्हाट्सएप पे मैं जवाब देता हूँ। ये नहीं है कि मैं जवाब नहीं देता हूँ, जो मैसेज करता है जो लिख के ये भेज देता है कि साहब मुझे ये जरूरत है, चाहे वो रात को भी मैसेज करता है, जो भी मैसेज रीड करता हूँ मैं उसका रिप्लाई करता हूँ।
तो जब भी आपको कोई भी आवश्यकता हो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की शंका समाधान हो तो भी मिल सकते हैं। पुलिस में चार स्टेप है, चारों स्टेप में आप आसानी से सिलेक्ट हो सकते हैं, ये कोई नहीं है। क्योंकि मैं जिस परिवेश से आया हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, पर पिताजी ने यही कहा था कि बेटा मास्टर बनना है, अपने बीए करने के बाद में बीएड कर लेना और मास्टर बनना है। लेकिन मेरे पिताजी से जबरदस्ती छिप करके भी दोस्तों के साथ में कांस्टेबल बना। कांस्टेबल बनने के बाद में वहां रहते हुए तैयारी की, तैयारी करके मैं टीचर बना और उस दौरान मेरा सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन भर्ती कोर्ट में चले जाने के कारण नियुक्ति नहीं मिली थी। फिर मैं टीचर ज्वाइन कर लिया, टीचर रहते हुए मेरा सब इंस्पेक्टर हुआ, तो मैं सब इंस्पेक्टर 2016 में ज्वाइन किया। तो मैं एक गांव से जिसमें कोई सुविधा नहीं थी, जब 2008 में मैं कांस्टेबल भर्ती हुआ, 2009 में हमारे घर में लाइट आई थी गांव में, और न मैं कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया, न कहीं किसी से ट्यूशन किया। और उस समय तो स्थिति ये थी कि हर एक पास कोई गाइड वगैरह भी नहीं मिलती थी, कोई गाइडेंस भी नहीं मिलता था। तो आज तो आपके पास में ये मोबाइल है, ये आपके पास सब कुछ सुविधा है, इसमें आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट के संबंध में जानकारी चाहते हो वो मिल सकता है आपको। दृष्टि आईएएस दिल्ली की कोचिंग नोट्स मिल सकते हैं इस मोबाइल में आपको। परिष्कार जयपुर के नोट्स मिल सकते हैं आपको। उत्कर्ष के पूरे पूरे वीडियो मिल सकते हैं, जिसमें आपको ऑफलाइन क्लास में जैसे पढ़ाते हैं वैसे के वैसे वीडियो आपको इसमें मिल सकते हैं। आप सब चीजें इससे प्राप्त करके और पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करें। आज हम यही जैसे थानेदार साहब आए हैं, साहब के साथ में वहाँ पीछे बैठे बैठे फोटो खींच लिया, या साहब के साथ में खड़ा होकर के फोटो खींच लिया, फिर स्टेटस पे रील बना करके डालते हैं। अरे वो स्टेटस नहीं, अपना ये स्टेटस बनाओ कि मैं भी आए एक दिन वहां जाकर के उस जगह पर खड़ा हो सकूं। स्टेटस वो है, न कि वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप फेसबुक का स्टेटस काम आएगा। वो एक 24 घंटे के लिए रहता है, उसने भी फिक्स लिमिट कर रखी है, कितने टाइम के लिए, 24 घंटे के लिए वो स्टेटस रहेगा आपका। 24 घंटे बाद में ऑटोमेटिक वो इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप हटा लेता है, लेकिन ये स्टेटस आप मास्टर राजेश राजेश राजेश